बजट पे बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आभार। श्रीमान, हमारे सदन की कार्रवाई पूरे देश में और यहाँ तक विदेशों में भी देखी जाती है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। कुछ बातें यहाँ पे गलत कही गई हैं, सत्य से परे कही गई हैं, और कुछ आधी अधूरी बातें करी गई हैं, जिससे बाहर एक भ्रम और भ्रांति वाली स्थिति भी बनती है। श्रीमान, जैसा कि हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा था कि प्रभु श्री राम की चर्चा सर्वाधिक हुई, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग भी ये मानेंगे कि डॉक्टर लोहिया ने जन सामान्य को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन किया करते थे। डॉक्टर लोहिया का ही एक ये बयान था कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे, रसखान और रहीम हमारे पूर्वज। श्रीमान, ये बात यहां पे इसलिए कहना आवश्यक हो रही है कि पिछले दिनों, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हल्द्वानी तक का उदाहरण दिया गया है साउथ में। सरकार अपनी जगह पे पूरा प्रयास करती है कि हमारे राज्य में कोई उपद्रव ना हो, अशांति ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये आभास हो रहा है हमको कि माहौल खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। बात की गई श्रीराम जन्मभूमि की, साक्षात भगवान श्रीराम ने उतार लिया काशी नगरी, जो भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है। जासु नाम बल शंकर काशी, देत समय संगति अविनाशी, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। श्रीमान, स्पष्ट है ये, दीवाल के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। वो हमारा आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, जो व्यास जी के गुफा में जो पूजा हो रही है, वो पूजा अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही है। ये बात बाहर जानी चाहिए श्रीमान, अनवरत सैकड़ों वर्ष से। इस पे सन 93 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया, किसी न्यायालय ने रोक नहीं लगाया इसकी पूजा पे। और इस सदन के माध्यम से श्रीमान, उन पुजारी को भी हम प्रणाम करेंगे, 31 वर्ष जिन्होंने चाबी संभाल के रखी कि एक न एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा और चाबी क्या होगा। अल्लामा इकबाल, फिर वही होता है कि आधा अधूरा बोल दिए, जो है पूरा बोलना चाहिए। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर। इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए, जिन्ना को रास्ता बताने वाले, जिन्ना को उकसाने वाले, और पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी, जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात पे लेकर के बंटवारा हुआ, और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है। दो पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं कि ए आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था। ऐ आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये है, ये तरानाए मिल्ली की पंक्तियां हैं, अल्लामा इकबाल ने 1910 में लिखी थी। श्रीमान, हम ही क्या धर्मार्थ दहते रहेंगे, सभी कुछ हो मौन सहते रहेंगे, कि धर्म को देंगे बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। श्रीमान, हिंदू तो सर्वसमावेशी है, किसको आश्रय नहीं मिला, किसको आसरा नहीं मिला। यहां पे जो भी संकट में आया उसको हमने अपनाया, कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। उल्टा जब बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पे हुआ, पाकिस्तान बना, जो मुस्लिम वहां जा रहे थे हिंदुओं ने उनको रोकने का काम किया कि आप रहिए हमारे साथ, भाई भाई बन के रहिए। इस संवेदनशीलता को रसखान जी, अब्दुल रहीम खान खाना, इनके आदर्शों पे चलेंगे तब अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल बनेगा। अगर बाबर और औरंगजेब के अनुसरण करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, तब तो शांति की कोई गारंटी नहीं। मैं फिर से पुनः बधाई देता हूं, इस बजट का समर्थन करता हूं, और माननीय योगी जी की सरकार को बधाई देता हूं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है, इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का, और मेरा ये भी मानना है कि आदि शंकराचार्य के बाद
अगर कोई सनातन उत्थान का और हिंदू उत्थान का कार्य कर रहा है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी। धन्यवाद। जहां तक हमारे वित्त मंत्री जी ने जो सारे जहां से अच्छा की दो लाइनें पढ़ी, पता नहीं अपने मतलब की चीज निकाल लेते हैं वहां से, ना ऊपर की लाइन पढ़ते ना नीचे की लाइन पढ़ते हैं। ये तो जमाना गूगल का है, जमाना इंटरनेट का है, जमाना छिपाने का नहीं है। हमारे बजट में जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ, मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में उन्होंने दो लाइनें लिखी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा उसकी लाइन आपके बजट में आ गई। तो आप बहुत सेकुलर हैं, तो आप सेकुलर हैं, इसलिए दूसरों पे उंगली मत उठाना अगर आप ये बात कर रहे हो। तो उन्होंने पढ़ा कि यूनान मिश्र रोम सब मिट गए जहां से, अब तो मगर है बाकी नामो निशान हमारा। मैं अध्यक्ष महोदय, अगर ये नाम इन्होंने लिखे और अपनी तारीफ में लिखे बजट पेश करते हुए कि ये बहुत ताकतवर हो गए, इनकी ग्रोथ बहुत आगे चली गई है, तो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इनसे कहूंगा जिन जिन देशों के नाम यहां लिखे गए हैं उन देशों की पर कैपिटा इनकम क्या है, उस देश के लोगों की, रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। अगर आपकी नियत कुछ और थी तो मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद की लाइन नहीं पढ़ी जो सबसे बड़ी लाइन थी जो अल्लामा इकबाल ने अपनी लाइन लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये वो लोग हैं जो भारत को बनाना चाहते थे, ये भारत को अच्छा सुंदर और देश मजबूत कैसे हो, इसलिए उन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी वो गुलिस्तान हमारा। आपको इतनी अच्छी गजल में केवल दो लाइनें मिली आपको, केवल दो लाइनें मिली आपकी, जो लाइनें हटा दी गई थी इस गाने से, इस गजल से दो लाइनें हटा के। मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं अध्यक्ष महोदय, कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन सारे जहां से अच्छा नहीं गाते हो हम लोग। और मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर मैं एक बात इसमें गलत कह रहा हूं तो जाकर के मिलिट्री स्कूल के किसी भी बच्चे से मिल लेना, पूछ लेना, जो वहां पे आर्मी के ऑफिसर्स प्रिंसिपल बनते थे उनसे पूछ लेना, ये गाना हर दिन मिलिट्री स्कूल में हम लोगों ने गाया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी वो गुलिस्तान हमारा। गुरबत में हो अगर हम, रहता दिल वतन में, समझो वही हम भी दिलो जहां हमारा।